खेती बाड़ी दे विच प्राइवेट सेक्टर लियाउण नूं फिरदे ने ते साड्या खेतां विच सानू मजदूर बनाउण नूं फिरदे ने। देश की आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि देश को एक केंद्रीकृत व्यवस्था संचालित करे। अंग्रेजों की गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में अंग्रेजों की संसद को वेश्या कहकर संबोधित किया था। और आज के समय जब केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश पास कर दिए हैं, उसी गूंगी बहरी और आवारा सरकार को सुनाने के लिए ये किसान सड़कों पर आए हैं। क्या हैं ये अध्यादेश और कैसे ये अध्यादेश किसान विरोधी हैं, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पहला अध्यादेश कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश है, यानी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 है। कहा गया है कि इस एक्ट के बाद कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा और निजी मंडियां होंगी, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन गौर करने की बात है कि वर्ष 2006 में बिहार में अनाज मंडियों वाले MSP एक्ट को हटा दिया गया था। आज बिहार में किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे जिस अनाज के लिए 1300 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं, उसी अनाज की कीमत पंजाब की मंडी में 1925 रुपये है। पंजाब और हरियाणा में मंडियों और ग्रामीण सड़कों का मजबूत नेटवर्क है, इसी वजह से पंजाब और हरियाणा की देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका है। अब जब वैध रूप से मंडी के बाहर भी अनाज बिकेगा तो एक देश दो बाजार हो जाएगा। मंडी में जो खरीद होगी उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन मंडी के बाहर होने वाली खरीद पर नहीं लगेगा। इस वजह से मंडियां धीरे धीरे खाली होती जाएंगी। सरकार का कहना है हमने MSP को छुआ नहीं है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगा, पर जब MSP का महत्व कम होगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्व भी खत्म हो जाएगा। शांता कुमार समिति कहती है कि देश में सिर्फ 6% किसानों को MSP मिलता है और 94% किसान खुले बाजार पर निर्भर हैं। इससे साफ है अगर खुला बाजार अच्छा होता तो किसानों की समस्या इतनी क्यों बढ़ती। अगर खुले बाजार में किसानों को उचित मूल्य मिल रहा होता तो भला क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते। आर्थिक सर्वेक्षण 2016 कहता है कि किसान परिवार की औसत आय देश में सालाना 20,000 रुपये है। बड़ा सवाल यह है कि इतने कम पैसे पर किसान परिवार जीवित कैसे रहता होगा, जबकि APMC एक्ट को बिहार में 2006 में ही खत्म कर दिया गया था। और पंजाब और हरियाणा के लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जो मजदूर बिहार से पंजाब हरियाणा में काम करने आते हैं उनके पास भी अपनी अच्छी खासी जमीन है, लेकिन फिर भी वो मजदूर बनकर पंजाब और हरियाणा में काम करने आते हैं। एक खेत साडे पड़दादियां ने बड़ी मेहनत नाल कमाए ने, ओए उच्चे नीवे टिब्बे सी जड़े बड़दां दे नाल बाहे ने। अब दूसरे एक्ट की बात करते हैं, मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, यानी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। यह कदम फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने के अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इस अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। सरकार की माने तो इससे किसान का जोखिम कम होगा, दूसरे खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर बड़े खुदरा कारोबारियों निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। सरकार का यह भी कहना है कि इस अध्यादेश से किसानों की उपज दुनिया भर के बाजारों तक पहुँचेगी, कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा। अब कृषि मंत्री को यह भी सोच लेना चाहिए था कि बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे किसानों के साथ किस तरीके के शोषणकारी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हैं। इसका उदाहरण हमें गुजरात के आलू किसानों से देखने को मिलता है, जब पेप्सिको ने गुजरात के आलू किसानों पर 4 करोड़ का दावा ठोक दिया था। इस बिल के आने के बाद दिक्कत यह भी हो जाएगी कि जितने भी देसी बीज भारत देश में बचे हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। खेती बाड़ी दे विच प्राइवेट सेक्टर लियाउण नूं फिरदे ने ते साड्या खेतां विच सानू मजदूर बनाउण नूं फिरदे ने। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम
1955 में संशोधन, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, पहले व्यापारी फसलों को किसानों के औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे, उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब नए विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। इस पर सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादकों को लक्ष्य से कहीं ज़्यादा उत्पादित किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, खाद्य प्रसंस्करण और निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भी क्या इसी तरीके की बात चल रही है, तो मैं आपको वहाँ का भी उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका के एक किसान ने ट्वीट किया था कि उसने 2018 में मक्का जिस कीमत पर बेचा था, मक्के की उससे ज़्यादा कीमत उसके पिता को 1972 में मिली थी। यह एक ऐसे देश की दशा है जहां 6-7 दशक से खुला बाजार है। अभी हाल ही में अमेरिका कृषि विभाग के एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि अमेरिकी किसानों की आय तेज गिरावट की ओर है। इससे पता चलता है कि जो बाजार सुधार अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में 7 दशक पहले किया था, वह नाकाम साबित हो चुका है। इस साल अमेरिका के किसानों पर $425 अरब का कर्ज हो गया है। वहां ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या की दर शहरों से 45% ज़्यादा है। यह वह देश है जहां खुला बाजार है, जहां बड़ी कंपनियों के लिए कोई भंडार सीमा नहीं है, अनुबंध खेती और वायदा बाजार भी है। वहां एक देश एक बाजार ही नहीं, एक दुनिया एक बाजार है। वहां के किसान दुनिया में कहीं भी निर्यात कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार तो बात करती है अपने ही देश में कहीं भी बेचने की। इसके बावजूद वहां कृषि पर संकट गंभीर है। अगर हम यूरोप में देखें तो फ्रांस में एक साल में 500 किसान आत्महत्या करते हैं। अमेरिका में वर्ष 1970 से लेकर अभी तक 93% डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। इंग्लैंड में 3 साल में 3000 डेयरी फार्म बंद हुए हैं। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में सिर्फ कृषि नहीं बल्कि कृषि निर्यात भी सब्सिडी पर टिका है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हर साल $246 अरब की सब्सिडी अमीर देश अपने किसानों को देते हैं। बाजार अगर वहां कृषि की मदद करने की स्थिति में होता तो इतनी सब्सिडी की ज़रूरत क्यों पड़ती। हमें सोचना चाहिए कि खुले बाजार का यह पश्चिमी मॉडल हमारे लिए कितना कारगर साबित होगा। मैं हर किसान भाई से और हर इस देश के नागरिक से आह्वान करूंगा कि इस किसान आंदोलन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस किसान आंदोलन को सफल बनाएं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नकारा सरकार है या खट्टर सरकार बोल रही है कोरोना हो जाएगा, क्या अमित शाह मर गया कोरोना से, क्या खट्टर मर गया कोरोना से? सेंटर दी सरकार रही।